दोस्तों आटा तो हर घर में आता है और रोटी हम सारे ही खाते हैं, मगर कभी आपने सोचा कि गेहूं को आटे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सोचने में तो कुछ भी नहीं है, बस गेहूं को पीसा और आटा बन गया। मगर आइए आज मैं आपको ऐसी लैब के अंदर, ऐसी फैक्ट्री के अंदर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे गेहूं को अच्छे से साफ़ किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उससे गेहूं से आटा बनाया जाता है। आज मैं कहाँ आया हूँ दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो आप, यह है अपना चक्की। इसमें यहाँ पे ना गेहूं को साफ़ करके अच्छे से पीसा जाता है और साथ ही साथ मसाले भी पीसे जाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसेस। डिलीवरी के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीके की बाइक्स अवेलेबल हैं, जिसमें ये सारे जो पैकेज जब ऑर्डर आते हैं ना, तो इनको पैकेजेस को इसमें डाला जाता है और इसको इसके थ्रू ही डिलीवर किया जाता है। तो बड़े ईजीली ही, ना लेट हो ना कुछ भी, बड़े आसानी से इसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि बाइक्स भी डिलीवर कर रहे हैं तो इजीली इसको डिलीवर कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे गेहूँ डाली जाती है और इस कंटेनर के थ्रू ही ये पंप होके इस पाइप के थ्रू ये जाता है यहाँ सेपरेटर पे गेहूँ, जहाँ पे सारे डस्ट पार्टिकल्स और जो छोटे मोटे बड़े दाने हैं जो इवनली नहीं हैं, जो आटे के हिसाब से सही नहीं होते, उसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें छन जाती हैं। जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो इस बोरी में यहाँ पर बाहर आ जाती है और बाकी का जो भी गेहूं है वो इस पाइप के थ्रू ऊपर जाता है हमारा ग्राइंडर में। ये देखिए ये ग्राइंडर ऊपर गया है, मतलब पाइप गया है, और इसके थ्रू दूसरे सेक्शन में जाएगा अपना ग्राइंड होने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों उस पाइप के थ्रू जाने के बाद वो यहाँ आ चुका है गेहूँ हमारा, और ये दो ग्राइंडर्स लगे हुए हैं, इन दो ग्राइंडर्स के अंदर गेहूँ हमारा जो है वो पीसा जा रहा है और सीधा हमारा जो आटा है वो बाहर आता है। आवाज़ बहुत तेज़ है दोस्तों मशीन की, इसलिए आपको मेरी आवाज़ शायद ना आ रही हूँ, पर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, तो इस पाइप के थ्रू गेहूँ जो है वो यहाँ पे आता है इस मशीन के अंदर साफ होके बिल्कुल। ये देखिए गेहूँ यहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हो आप, और फिर इस ग्राइंडर के थ्रू अच्छे से गेहूँ जो है वो पिस के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए गेहूँ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये गेहूँ हमारा यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिस चुका है। ये आटा मेरा लैब में ग्लूटीन टेस्ट, आटे की क्या क्वालिटी है ये हमारा चेक करता है। यहाँ मेरा ओके होने के बाद इसकी पैकिंग चालू होती है। तो पहले इसको चेक किया जाता है? हाँ, पहले चेक किया था। जब भी मेरा लॉट तैयार होता है तो पहले इसकी चेकिंग होती है इस मशीन के थ्रू। आटा जो गेहूँ पीसने के बाद जो आटा मेरा तैयार हुआ वो मैं स्टील के कंटेनर में ले करके हमारे सीधे ये पैकिंग में आता है। पैकिंग में महिला लोग हैं जो बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान में रखती हैं, उसमें कुछ है तो नहीं, बस उसी के लिए मैं छनैया यहाँ करता हूँ। वहाँ से इससे आटे से मैं कुछ नहीं निकालता हूँ, वो इसमें से हम चोकर नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये चोकर युक्त आटा है ये। अच्छा, इसके बाद ये कागज़ का पैकेट है मेरा, इस पैकेट में हम पैक करते हैं। ये 5 kg का है? ये 5 kg का है। हाँ, यहाँ मेरा वेट होता है। तो दोस्तों आटा ना पैकेट के अंदर डालने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैकेजिंग इसको ना सील किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिलाई होगी इसकी सारे पैकेट्स की, और ये मैन्युअली इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, मशीन के थ्रू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से ये पैकेज करते हैं। जैसे सर ने बताया भी हमें कि हम प्रोडक्शन में पैक करके पहले से नहीं रखते, जब तक रिक्वायरमेंट होती है, जब आता है कस्टमर्स के कॉल आते हैं तभी हम करते हैं। तो इसलिए 5-5 kg के बैग्स अब पैक किए जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों कॉल सेंटर जहाँ पे कस्टमर्स अगर कॉल करते हैं, जैसे आप भी अगर कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको जो क्वेरी है यहाँ से फुलफ़िल की जाती है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो नंबर्स आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से नंबर मिलेगा, वहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं। और इनका एक ऐप भी है जो कि अपना चक्की के नाम से ही है, तो वो भी आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैं दोस्तों इनके ना सारे फूड ग्रेड्स पैकेट्स। ये देखिए आप किस तरीके से जो पेपर है ना, बिल्कुल इस पे जो प्रिंटिंग है वो भी सर कह रहे हैं नेचुरली, जैसे होता है ना पालक के कलर्स यूज़ किए हुए हैं, नेचुरल फूड कलर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करते हैं। और जो पेपर है वो भी बिल्कुल फूड ग्रेड है। ये देखिए आप किस तरीके से, ये अलग अलग साइजेस के हैं क्योंकि अलग अलग मसालों के छोटे पैकेट्स हैं, और जो चावल वाला आटे वाला है वो बड़े वाला है, ये 5 kg वाला। तो ये देखिए दोस्तों ये है 5 kg का पैकेट जो बिल्कुल अभी भी फ्रेशली पैक किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे FSSAI का भी मार्क लगा हुआ है, यानी बिल्कुल फूड ग्रेड और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी जांच करके ही आटा को प्रोड्यूस किया जाता है और बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा 5 kg का बिल्कुल जो पैकेट है ना, सबसे खास बात क्या लगी मुझे, बिल्कुल फूड ग्रेड और डिकम्पोज होने वाला है। आप यूज़ करिए, उसको यूज़ एंड थ्रो है, प्लास्टिक नहीं है। अगर प्लास्टिक होता तो दोस्तों पता ही आपको आजकल दिक्कत है प्लास्टिक से, मगर इस पेपर बैग्स को यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के। आइए आपको मसालों के पैकेट्स भी दिखाता हूँ। ये था हमारा 5 kg का आटा। तो ये है दोस्तों सत्तू का पैकेट, ये 1 kg का पैकेट है। ये देखिए ताज़ा देसी चना सत्तू, इसके साथ साथ ये 1/2 kg का भी है।
तो ये दोनों में से कोई भी आप ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से, हाफ के जी या फिर 1 kg। और इसके अलावा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मसाले के पैकेट्स हैं, लाल मिर्च है। ये देखिए लाल मिर्च 100 ग्राम दीजिए, लाल मिर्च का पैकेट 500 ग्राम, हाँ, और एक 100 ग्राम का पैकेट भी आता है। तो अपने नीड के हिसाब से आप 100 ग्राम या फिर 500 ग्राम कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मसालों में और भी चीज़ें हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है दोस्तों एक हल्दी पाउडर, जैसे सर बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज, मतलब कोल्ड प्रोसेस किया जाता है इसको, ताकि जो मसाला है, जो हल्दी है बेसिकली पीसें तो उसका स्वाद ना जाए, अच्छे से मेंटेन रहे। ये 100 ग्राम का पैकेट और ये 500 ग्राम का। तो कुछ इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर ना सारे पैकेजेस को रखा जाता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें ना अरेंज करके ये सारे पैकेज रखे हुए। ये 5-5 kg के हैं, 5 किलो के ना, तो 5-5 kg के ये पैकेट्स हैं आटे के, ये इसमें रखे गए हैं और इस बाइक के थ्रू ही इसको डिलीवर किया जाएगा। तो लिए दोस्तों अभी हमारे साथ हैं मिस्टर संजय जी, जो कि ब्रांड अपना चक्की के डायरेक्टर हैं। तो इनसे बात करते हैं और सारी डिटेल्स जानते हैं कि बेसिकली जब इन्होंने चक्की शुरू करी तो क्या कॉन्सेप्ट था सर इसके पीछे शुरू करने का। बेसिक एक्चुअल क्या था कि हम लोग सर्विस से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि कुछ लगे कुछ यूनिक हो। क्या किया जाए करने का प्रॉब्लम सोचे, ये सोचे ऐसे सोचे। तो हमारे बॉस मिस्टर एस के ओझा के जी के घर में हम लोग बैठे हुए थे, तो वे बेसिक उनका नेटिव प्लेस छपरा है, वहाँ के रहने वाले थे। तो छपरा से इनफैक्ट उनको गेहूँ चावल उनका वहीं से आता है, तो घर फोन उसी समय उनके पास आया कि गेहूँ थोड़ा सा भेज देने के लिए। तो गेहूँ जब आने की बात हुई तो उनकी वाइफ बोली कि भाई गेहूँ तो आप मंगा रहे हैं, मतलब धोने और पिसाने का जिम्मा आपका, हाँ। रोटी खिलाने का जिम्मा हमारा है, ये आप कैसे मैनेज करेंगे, हाँ। ये चीज आप समझिए। तो हम लोग के दिमाग में आया कि इस तरह की बातें तो सबके साथ है, किसी को धोने की दिक्कत है, किसी को समय नहीं है, अब बाजार में अवेलेबल है, हाँ। बाजार में जब जो चीज अवेलेबल है, हम लोग बेसिकली ये चीज जानते थे कि गेहूँ की जो गेहूँ हम लोग घर में पिसाते थे वो बेसिकली हम लोग 15 से 1 महीने का स्टोर करते थे आटे को। कभी हमने ये नहीं सुना था कि हमने आटे को 3 महीना या 6 महीने के लिए रखते थे। चावल को हमने 1-2 साल के लिए स्टोर किया था, लेकिन कैसे वो स्टोर होता है इसके बारे में हम लोग नहीं समझ। तो हम लोग सोचा कि कुछ न कुछ तो है, तो फिर हम लोग के दिमाग में आया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि प्योर हो, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, हम भी अपने आप से सेटिस्फाइड हो। उसको उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, केएमपी की जो बेस्ट गेहूं थी शरबती, हम लोगों ने डायरेक्ट वहां गया, वहां किसान से मिले, वहां मंडी देखे, फिर हमने वहां के बेस्ट जो किसान थे उनसे हम लोगों ने बात किया, बोले कि ठीक है हमको जो यहां के बेस्ट गेहूं, जो इंडिया के जो बेस्ट ब्रांडेड कंपनी है जिसको मैं गेहूं देता हूं, आपको भी मैं दूंगा। तो मैंने गेहूं वहां से लाया। गेहूँ लाने के बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि इसको कितनी जल्दी हम कंज्यूम करें। कंज्यूम करने के लिए क्या था कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, हमारे पास ऑर्डर कम है, तो हम आटा को कितना दिन रखें, क्या करें। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट अलग होगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से ही ग्राइंड करें, मतलब आज का आटा आज आपके पास जाए। हम 15 दिन 2 महीने क्यों करें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किचन में लेके जाते हैं, अगर 5 kg का भी प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 10 दिन आपके किचन में रहता रहेगा। और 20-30 दिन पुराना प्रोडक्ट अगर मैं आपके किचन में भेज रहा हूँ तो मिला करके 45 दिन का हो गया। तो हम क्यों ना 10 दिन का चीज 10 दिन के अंदर ही खत्म करें। तो वो कॉन्सेप्ट मिला है कस्टमर हमको, फिर हम लोग कस्टमर को बताना चालू किया कि इस तरह का है हमारा कॉन्सेप्ट। कस्टमर ने हम लोग को काफ़ी अप्रिशिएट किया, बोला कि नहीं बहुत अच्छा चीज़ है। फिर हम लोग ने पैकिंग की ओर आया कि प्लास्टिक ऐसा चीज़ है कि खाने पीने का चीज़ करीब करीब सारे चीज़ प्लास्टिक में है, और एक अमूमन सारे लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हेल्थ के लिए सबसे खराब है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हेल्थ प्लस एनवायरनमेंट, हाँ, एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कस्टमर जब बोले थे कि अब हुआ कि पैकिंग हम कैसे करें, तो इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। करते करते हम लोग कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, दिल्ली जब पहुंचे तो वहाँ एक व्यापारी से बात हुई, तो बोला कि नहीं आपके चॉइस का तो हम मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ आप यूनिक कर रहे हैं। बोले कि नहीं हमको बाज़ार में कुछ यूनिक ही करना है, कारण कि हमको पॉल्यूशन को भी देखना है, कस्टमर के हेल्थ को भी देखना है। तो हमने उन्हें
फूड ग्रेन पेपर बाहर से मंगाया और उसकी पैकिंग 5 kg का पैकेट दे करके, जो कि न हेल्थ के लिए नुकसान है न एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है, दोनों चीज़ के लिए बेटर हमारा जो पैकेट है, कागज का पैकेट है, फूड ग्रेन पैकेट, उसकी जो प्रिंटिंग जो है, आप अगर प्रिंटिंग पर ध्यान रखेंगे तो हमारे पालक के उससे कलर का यूज करके हम लोगों ने, मतलब सारा चीज हाइजीन है मेरा। आप दूसरी चीज कि अगर आप किसी भी फ्लोर मिल में आटा के प्लांट में आप देखेंगे कि जनरली एज ए कस्टमर अगर मैं गया तो आपको गेट के पास ही रोक देना पड़ता है, मैं क्या खा रहा हूँ हमको कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। हम बेसिकली आज जो हमारा आप सेटअप देखेंगे कि बाहर से लेकर अंदर तक पूरा शीशा है, आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं गेहूं जो डाल रहा हूँ क्या क्वालिटी का दे रहा हूँ, मैं जो आटा निकाल रहा हूँ कैसा है, आटे में मैं क्या मिला रहा हूँ, कैसे आपके पास आप क्लियर आप देखिए, हमारे के कस्टमर आते हैं देखते हैं सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अच्छा चीज है। तभी जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके दिया। अब रहा कि कोई क्वेश्चन आती है कि भाई आप इतना अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, उसी रेट में आप मार्केट में दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमारा ब्रांडेड है, आप कैसे उसको सर्वाइव करते हैं? तो उसका सर्वाइव करने के पीछे रीजन है कि हमारा कोई चैन नहीं है, हमने किसान से परचेज किया और डायरेक्ट आपको दिया, हमारा जब कोई चैन नहीं है तो जो बीच की जो मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर, वो हम डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, यही कारण है कि हमारा जो प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ भी बाजार रेट से सस्ता है। सो देखा दोस्तों आपने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ना गेहूं को पीसा जा रहा है, और पूरे प्रोसेस में आपको दिखाया किस तरीके से गेहूं को साफ किया जाता है, उसके बाद उसको लैब टेस्ट भी किया जाता है, छाना जाता है, पैकेजिंग की जाती है और उसके बाद डिलीवर किया जाता है। तो अगर आप भी यहां से ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी, ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिलेगा, वहां पे जाइए और पटना सिटी में जहां भी आप रह रहे हैं आसपास में आप कॉन्टैक्ट करके आसानी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना और इस तरीके की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई चीज़ के साथ बहुत जल्द आऊँगा, अभी इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।